ये हमारे देश की एक अजीब सी विडंबना है कि हम मेरा प्रदूषण, तेरा प्रदूषण और किसका प्रदूषण करते रह जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये हम सबके द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण ही है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम प्रदूषण को लेकर भी ऑड इवन वाली सोच तक सीमित रह गए हैं, यानी अपनी तकलीफ के हिसाब से प्रदूषण हमारे लिए ऑड है और अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रदूषण हमारे लिए इवन है। लेकिन आज जी न्यूज देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से जुड़ा एक ऐसा खुलासा आपके सामने करेगा जिसे सुनकर ऑड इवन का खेल खेलने वालों को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। अगर हम आपसे ये कहें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल भारत में हो रहे प्रदूषण और उसे फैलाने वालों की खोज खबर ले चुका है, तो आपको इस पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर इंटरपोल या सीबीआई जैसी संस्थाएं अपराधियों को खोजने और उन्हें पकड़ने का काम करती हैं। आप सोचेंगे कि इंटरपोल का प्रदूषण से क्या लेना देना, लेकिन इस सवाल का जवाब इस समय मेरे हाथ में है। ये इंटरपोल द्वारा 1 अगस्त 2014 को लिखी गई एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी इंटरपोल के एनवायरमेंटल सिक्योरिटी सब डायरेक्टरेट ने नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इंटरपोल न्यू दिल्ली को लिखी थी, और हमारा आज का खुलासा इस चिट्ठी में लिखी बातों के एक एक सच को डिकोड करेगा। ये चिट्ठी भले ही 3 साल पुरानी हो, लेकिन इसमें दिल्ली एनसीआर में हो रहे एनवायरमेंटल क्राइम के बारे में बहुत सारी गंभीर बातें लिखी हैं। इस चिट्ठी में जिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जिक्र किया गया है उसकी तस्वीरें आज भी जिंदा हैं, और हमने बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपने कैमरे से प्रदूषण वाले इस पाप को रिकॉर्ड किया है। ये रिपोर्टिंग देखकर आपको पता चलेगा कि दिल्ली और एनसीआर के आसमान में छाए जहरीले धुएं का मुजरिम, असली मुजरिम कौन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस चिट्ठी में लिखी कुछ मुख्य बातें पढ़कर बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसा हम आपको बता चुके हैं, ये चिट्ठी इंटरपोल के एनवायरमेंटल क्राइम डिपार्टमेंट ने लिखी है, और इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है दिल्ली के आसपास दो इलाके हैं, लोनी एंड मंडोली, सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ बीइंग परमानेंटली डैमेज्ड बाय टॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम ई वेस्ट, ऐसा इसमें लिखा है। और एक और खास बात इसमें लिखी है, इसमें लिखा है ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स टॉक्सिक मेटल्स एट बोथ द लोकेशंस, एट लोनी सम सैंपल्स ऑफ वाटर रिवील मर्करी लेवल एज हाई एज 20 टाइम्स द प्रेस्क्राइब लिमिट, द लेवल ऑफ जिंक इन अ सैंपल वॉज 174 टाइम्स हायर एट मंडोली, ऐसा इस चिट्ठी में लिखा गया है जो इंटरपोल की तरफ से आई है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी सब डायरेक्टरेट के दफ्तर से ही आई है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारें वायु प्रदूषण को लेकर तरह तरह की बातें कर रही हैं। आप इसे ब्लेम गेम भी कह सकते हैं, लेकिन इस बीच किसी का ध्यान उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने वाले संगठित अपराध पर नहीं गया जो पिछले 4 दिनों से नहीं बल्कि लगभग 11 साल से खुलेआम चल रहा है। और ये स्थिति तब है जब 1 साल पहले ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली से लगे इलाकों में ई वेस्ट के कारोबार को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद सरकारें सोती रहीं, भ्रष्ट सिस्टम खुलेआम पैसे खाता रहा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुलेआम जलता रहा, ऐसे ही प्रदूषण फैलता रहा और लोगों का दम घुटता रहा। गहरी नींद में सोई सरकार और भ्रष्ट सिस्टम की सोच का पूरा कच्चा छिट्टा हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुका है। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आज कई लोग चैन से सो नहीं पाएंगे बल्कि उनका दम घुटने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है और इससे आपकी सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत में सिर्फ 2% ई वेस्ट ऐसा होता है जिसे सालाना रिसाइकल किया जाता है। वर्ष 2016 में भारत में 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा ई वेस्ट पैदा हुआ जो दुनिया के कुल ई वेस्ट प्रोडक्शन का 12% था। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रोडक्शन 30 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में मुख्य तौर पर कंप्यूटर मॉनिटर्स, मदरबोर्ड, कैथोड रे ट्यूब, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मोबाइल फोन्स और उसके चार्जर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन्स, LCD, प्लाज्मा TV, एयर कंडीशनर्स और फ्रिज जैसे सामान होते हैं।
ये ऐसा ई वेस्ट है जिसमें 1000 से ज्यादा जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को बनाते वक्त कई जहरीले केमिकल्स का प्रयोग होता है। इनमें लेड, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल है। ये पर्यावरण में शामिल होकर जमीन, हवा और पानी को न सिर्फ प्रदूषित करते हैं बल्कि उन्हें जहरीला बना देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ गाजियाबाद और नोएडा में ही छोटी बड़ी करीब 1000 ऐसी जगहें हैं जहां पर ई वेस्ट को गैर कानूनी तरीके से जलाया जाता है। जलाने पर इनसे लेड एसिड, एसिड और बैटरी केमिकल्स निकलते हैं। इसके अलावा इंसुलेटेड कॉपर वायर, सर्किट, पाइप और दूसरे हार्ड वेस्ट की तोड़फोड़ से खतरनाक केमिकल्स हवा में फैलते हैं। एसोचैम के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सालाना 50,000 से 55,000 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है जो हर वर्ष 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस कचरे के लगातार संपर्क में रहने से सिरदर्द, उल्टियां और आंखों की बीमारी के अलावा कैंसर भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली एनसीआर में जलाए जाने वाले ई वेस्ट में इंटरपोल को इतनी दिलचस्पी क्यों थी कि उसने ये चिट्ठी लिखी। वैसे आपको बता दें कि ये चिट्ठी तो उन्होंने बहुत पहले लिखी थी लेकिन इस चिट्ठी पर कोई अमल नहीं हुआ। कोई अमल क्या, इस पर जीरो अमल हुआ है क्योंकि अभी इसी हफ्ते हमने जो रिकॉर्डिंग की है वो थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि इस चिट्ठी को हमारी अथॉरिटीज ने डस्टबिन में फेंक दिया था। इसका जवाब है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भारत में आयात होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा। कुछ मौकों पर इंटरपोल के एजेंट्स को अपनी जांच में यह पता चला कि यूरोपियन यूनियन के देशों से रवाना होने वाले हर 3 कंटेनर्स में से 1 कंटेनर में गैर कानूनी ई वेस्ट मौजूद होता है। भारत में 42% ई वेस्ट अमेरिका से इंपोर्ट होता है, 30% चीन से, 18% यूरोप से और 10% ई वेस्ट ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से हमारे देश में डंप होता है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 49 देशों से इस तरह का कचरा भारत में आयात होता है। इससे ऐसा लगता है कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डस्टबिन है जहां वो अपना पूरा कचरा यहां पर लाकर डंप कर देते हैं। लेकिन इसे रिसाइकल करने के लिए हमारे देश में उचित प्रबंध नहीं है। एक सच्चाई ये भी है कि दुनिया के सबसे सस्ते लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन्स भारत में ही बेचे जाते हैं और इनके खराब हो जाने या इनसे मन भर जाने पर लोग इन्हें अक्सर फेंक देते हैं। ये ऐसा कचरा है जो धीमी मौत देता है और आपको इसके बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे आपके आसपास अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें अचानक कैंसर हो गया। 2014 से ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर के इलेक्ट्रॉनिक कचरे वाली समस्या की मॉनिटरिंग की है। लेकिन इसका दुखद पहलू यह है कि तमाम निर्देशों के बावजूद आज भी ऐसे डंपिंग यार्ड मौजूद हैं जो बिना रोक टोक के खुलेआम चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक किसी सरकार ने, किसी अथॉरिटी ने इन्हें बंद नहीं किया है। और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इन्हें बंद करना चाहिए। ये स्थिति तब है जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नियम बनाए हुए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है लेकिन भारत में लोग जुर्माने का मुकाबला जुगाड़ से करते हैं और सारे नियमों और कानूनों का मजाक बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत में कानूनों की कोई कमी नहीं है लेकिन कानून लागू करने वालों की कमी है। मानव सभ्यता का विनाश करने वाले इस संगठित अपराध में सबके सब मिले हुए हैं। इसलिए आज आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है और इसी के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अक्सर आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो ना तो धूम्रपान करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना उन्हें कोई और बुरी आदत है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अचानक बेमौत मरते हैं या फिर उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं और आप अक्सर आपस में एक दूसरे से ये बातचीत करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता था, कोई बुरी आदत नहीं थी, धूम्रपान भी नहीं करता था, फिर इसे कैंसर कैसे हुआ, उसका कारण क्या होता है, अब आप देखिए। एक तो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, आँख में थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा है, घरों में भी अंदर भी ऐसा लग रहा है कि पॉल्यूशन अंदर आ गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, कई कई बार आंखें धो रहे हैं,
कोई कहता है ऑड इवन लेयर, कोई कहता है पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव करो, और यहां तक लोगों को ये तक नसीहत दी जा रही है कि भैया कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़कर चले जाओ। लेकिन जी हां, आज इसी लेकिन का जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिल सकती। आमतौर पर आपने इंटरपोल और सीबीआई जैसी संस्थाओं को बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आपके देश में मौजूद प्रदूषण और उसे फैलाने वालों की जानकारी इकट्ठा कर रही है, तो आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये 100% सच है। कुछ दिनों के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, हवा चलेगी और आसमान से काला धुआं धीरे धीरे छटने लगेगा, और हम खुशी खुशी एक बार फिर प्रदूषण की असली वजह को भूल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का वो सच बताएंगे जो एक या दो साल से नहीं बल्कि पूरे 11 सालों से आपकी सांसों का दुश्मन बना बैठा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सुनने में बड़ा एडवांस लगता है, लेकिन आपको शायद ये बात पता नहीं हो कि इसे जलाने के बाद केमिकल से भरा जो जहरीला काला धुआं वातावरण में फैलता है, वही है आपकी सांस और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 11 वर्षों से ई वेस्ट को जलाने और उसे खतरनाक केमिकल्स की मदद से गलाने का संगठित अपराध चल रहा है, लेकिन तमाम जानकारियां होने के बावजूद देश का सिस्टम 11 वर्षों से कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इसलिए जी न्यूज की टीम ने सिस्टम की नींद तोड़ने के लिए प्रदूषण का ही स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया, और फिर जो हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ वो बहुत डरावना था। ई वेस्ट के जहरीले धुएं से तड़पते ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर से सटे वो इलाके हैं जो तकरीबन 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं, कुछ दिनों पहले की ही, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारी आंखों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया, और बदबू इतनी भीषण थी कि हमें एक एक सांस के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर मौजूद लोनी, मंडोली, शिव विहार और अमित विहार जैसे इलाकों में आपको खुली जगह पर तेजाब के तालाब, अवैध फैक्ट्रियों के भीतर भट्टियों में जलाया जा रहा ई वेस्ट, जहरीले केमिकल्स से भरे हुए ड्रम आसानी से नजर आ जाएंगे। ये वही तस्वीरें हैं जिसे याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से एनजीटी में पेश किया जा चुका है। हम इस संगठित अपराध को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस प्रदूषित सोच का स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। हमें सावधानी बरतनी थी, लेकिन देश के सामने सच भी रखना था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ई वेस्ट जलाने वाले आतंकवाद की तस्वीरें कैमरे पर रिकॉर्ड होती रही। देखने में आपको ये लगे कि इन मकानों और प्लॉट्स पर ताला लगा है, लेकिन असली खेल तो बंद ताले के भीतर चल रहा होता है। भाई बिना महीने के कोई चला गया नहीं, बिना सब काम डिस्कस होता है। एसडीएम आता है, एसडीएम बंद वैसे होता है, एसडीएम के पास ही मोटा पैसा रहता है, बंद हो जाता है, जैसे जिसका काम है उसी काम को करते हैं। सकरी गलियों में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे एक फैक्ट्री में। इंटरपोल की रिपोर्ट में जिन इलाकों का नाम है, जो राधा विहार, कृष्णा विहार, मंडोली, अमित विहार, जिन इलाकों के नाम है, हम उन्हीं इलाकों में हैं और उन्हीं इलाकों से आज तक तस्वीर लगातार पहुँचा है। चलिए आगे। फैक्ट्रियों के जाल और अड्डों के बीच बच्चों का एक स्कूल भी हमें दिखाई दिया, जो कि इस काले धुएं के कारोबार के बीच अब दम तोड़ चुका है, बंद हो चुका है। तो दादा ये स्कूल दोबारा कैसे चलेगा? अरे 2 साल हो गए बंद हुए। क्या ये स्कूल चल जाएगा? इसी प्रदूषण की वजह से बंद। अच्छा,
आप उधर चले जाओ, सही रहेगा आपको, कोई परेशानी नहीं। वो भी उसी का इलाका है, उसमें पुलिस पुलिस नहीं आएगी बिना उसके इजाजत के। उसका नाम निजाम है, वहाँ जाओगे ना पाइपलाइन, वहाँ जाके पूछ लेना भाई निजाम भाई। उधर पूरा तो पन्नी फूकते हैं, उधर यही चलने का काम है। नहीं वो खुद ही जो जिसका प्लॉट है ना, हाँ, वो खुद ही पुलिस से बात कर लेता है। सब यहाँ पे एक से बढ़ के पड़े गए हैं, सबकी सेटिंग है वो ना। हम लोग तो ऐसे चलाते, कोई नहीं, कोई आता ही नहीं, बस इस डीएम का डर है। SDM आता रहता है बंद कराने के लिए, आता है बस भट्टी। अरे काम बंद हो जाता है जब तक, जिस दिन आएगा उस दिन काम बंद रहेगा सबका। अच्छा, जब चला जाएगा फिर चालू, जिस दिन आने वाला रहेगा उस दिन पता चल जाएगा कि आज आने वाला है। कैसे पता चलता है? कमीशन जाता है यहाँ से, पैसे जाता है। किसको? SDM को? तो कैसे, मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कैसे पता चल जाता है कि आने वाला है? मतलब कोई उसका आदमी रहता है यहाँ, जो SDM का चमचा है ना, वो इनके गांव का ही है, जिनका ये इलाका है, वो इन्हें बताता रहता है। वो 50,000 रुपए मतलब 6 महीने 7 महीने में इसे देते रहते। किसको? उसी को, SDM को। नहीं, जो उसके साथ रहता है। अच्छा, जो उसका फाइल वाइल ले जाता है तो वो बताता रहता है इन्हें, इस दिन वहाँ पे दौरा है तो ये बना कर। तो डर नहीं है कोई? डर कोई नहीं। जिन इलाकों में जो स्कूल चलते थे उनकी हालत ये है कि अब वो स्कूल बंद हो चुके हैं। जो आसपास काम करने वाले मजदूर हैं वो साफ बताते हैं कि बच्चे इतना परेशान हुए, स्कूल चलाने वाला जो आदमी है जिसका ये स्कूल था वो इतना परेशान हुआ कि फाइनली उसने स्कूल बंद कर दिया और अब बस ऐसे ही खाली रहे। हाँ, जाकिर है, ताजू है, ये क्या किसानों से खाली प्लॉट पड़े रहते हैं ना, किसानों हाँ, के या किसी के खाली प्लॉट पड़ते रहते हैं हाँ, तो वहाँ उनसे पैसा ले लेते हैं हाँ, भाई हम आपको अब 10,000 रुपये देंगे। और जो ये ई वेस्ट आता है, जिनके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, ठेकेदार होते हैं, माफिया, उनसे इनका संपर्क है। तो वहाँ से 3-4 ट्रक माल लाए, रात को वहाँ जला दिया, सुबह राख रहती है। उसमें जो कीमती सामान होता है ना, जैसे मान लिया ये जस्ता वगैरह है या और जो चीज़ निकलती है उसको ले जाते हैं, आपको पूरा रातों रात पूरा धुआं हो जाता है सुबह तक। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत का ई वेस्ट इसी खुली जगह पर जलाया जाता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इंटरपोल इस मामले में सवाल कर सकती है इसका मतलब मामला सिर्फ इस देश का नहीं, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। जो इलेक्ट्रॉनिक इतना भी आइटम आता है ना, जो विदेशों से जो वैसे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जिसको जो विदेशों से आता है, विदेशों से आता है हाँ। तो वो सारे के सारे यहाँ से जाते हैं। अच्छा, इस बॉर्डर पर कोई निगरानी है नहीं, दिल्ली यूपी का बॉर्डर है। अब इसमें कई जो है ना, जैसे सवोली लगी हुई है, मडोली लगी हुई है, तो इसके अंदर से भी रास्ते हैं हाँ। ये सवोली एक गाँव है, मडोली एक गाँव है, तो गाँव के अंदर से भी रास्ते हैं, सवोली गाँव के अंदर से भी रास्ते हैं, उन रास्तों में से सीधे यहाँ फैक्ट्री एरिया में पहुँचे। यहाँ से आगे निकलकर हम जैसे ही कुछ दूर पहुँचे, हमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स के बड़े बड़े अंबार दिखाई पड़े, बड़े बड़े ई कचरे के ढेर, तारों का टेला और जलते सुलगते कचरों के ढेर से निकलता जहरीला धुआं। तो यहाँ एक बात और भी बतानी जरूरी है, जो तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल हम यहीं आपको लेके आना चाहते थे ताकि ये तस्वीर आपको साफ दिखा सकें। खुले कैमरे से यहाँ शूट करना मुश्किल है, यहाँ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि साफ लोग कहते हैं यहाँ कुछ लोगों का राज चलता है। किराए पे मिल जाएगा? कितना किराया लगेगा? भाई साहब 10,000 रुपये। अच्छा, किराया 1,000 रुपये पुलिस के खर्चे। पुलिस के खर्चे? हाँ जी, मतलब 1,000 रुपये महीने आता है पुलिस को। हाँ जी, 1,000 रुपये SDM खर्चा है। किस चीज़ का? SDM तो मैंने कि किराया प्लस पुलिस प्लस SDM, तीन खर्चा है। फिर हम जैसे ही एक और प्लॉट के अंदर पहुंचे, हम सकते में रह गए। पूरा का पूरा लोहा बना देंगे। एसिड का एक टैंक है, इस टैंक में ये पान डाला हुआ है। छींटा पड़ जाएगा भाई साहब, उसके बाद जल सकते हो? छींटा पड़ गया, छोड़ दो छोड़ दो, इसका एक छींटा, छींटा पड़ गया तो जल जाओगे, आपको पूरी तरीके से घायल कर सकते हैं। ये पूरा एसिड का टैंक देख रहे हैं आप ना, हटाओ हटाओ, छींटा आ गया तो जल सकते हो, कपड़ा भी जल जाएगा, जिस्म भी जल जाएगा। हाँ, हम तो रोज का अभ्यास देख रहे हैं, जलते रहते होते रहते जलते रहते होता रहता है।
हाँ जी, बदबू कितनी आ रही है देख रहे, इतनी बदबू है कि यहाँ खाया पिया हुआ सारा बाहर निकल जाए, यहाँ रुक भी नहीं सकते, उल्टी हो जाएगी, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये संगठित अपराध पुलिस की नाक के नीचे होता है। बड़ा इधर धुआं कितना निकलता है इधर? अब तो आप रात को आना, अच्छा आप रात को आओगे तो केवल धुआं धुआं दिखाई देगा। क्या काम होता है इधर? फैक्ट्री है सर। किस तरह की? हर तरह की फैक्ट्री है। आप लोग रोकते नहीं हो इतना धुआं निकलता है? आप बताओ, जिनके हाथों में पावर है जब वो नहीं रोकते, हम तो सिपाही आते हैं, हम क्या रहे, हम तो हमें तो आदेश दो, हम तो ढाई देंगे हाल, हमें आदेश मिलना चाहिए भाई। कर्मचारी क्या कर सकता है, अधिकारी के साथ जा सकता है जब SDM साहब DM साहब SSP साहब नहीं रोक पाए तो हमारी क्या औकात है? आप बताओ, SDM साहब के अंडर में SDM साहब सील कर जाते हैं और फिर वो खोल लेते हैं सील, तो बिना SDM साहब के आदेश से दोबारा खोल सकता कोई? तो कैसे खोल लेते हैं? कैसे खोल लेते हैं तो आप जानते ही हो। तो हो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बुरा हाल का, पब्लिक वास्तव परेशान है। अब आप खुद सोचिए, जब ई वेस्ट जलाने का संगठित अपराध ऐसे ही बेफिक्री से चलता रहेगा तो आपको खुली हवा में सांस लेने की आजादी कहां से मिलेगी? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द हेल्थ हैजर्ड, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द व्हाट आर द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स व्हाई दे आर अनऑर्गेनाइज। प्रोबेबली अगर जब तक हम उसको ट्रेनिंग वगैरह उनको शिक्षित कर देंगे, उसका हेल्थ हैजर्ड के बारे में बताएंगे और उसका एक साथ चलने के फायदे के बारे में बात करेंगे, तब तक हो सकता है ये आगे आप हम लोगों के अंदर में ये कोई इशू नहीं रहेगा। बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, ये सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्राइम की बात नहीं है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ के जो आसपास के लोग रह रहे हैं वो जहरीली हवाओं को इनहेल कर रहे हैं, वो इतना ज़बरदस्त पॉल्यूटेड पानी पी रहे हैं कि उनके लिए ये धीमा जहर है, और वो अपने उनकी लाइफ, आप ये समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ दिनों दिन जिस तरीके से वो सांसें लेते जा रहे हैं और पानी पीते जा रहे हैं वहाँ का, वो कम होती जा रही है उनकी लाइफ। यहाँ सबसे गंभीर सवाल उस सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। जो स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस कचरे के ढेर में आग लगाने के बाद 2 दिन तक ये कचरा जलता है, तो अंदाज़ा लगाइए 2 दिन तक ये कचरा लगातार जलता रहेगा और इससे निकलने वाला काला धुआं Delhi-NCR में आपके आसपास पहुंचेगा। और जिस प्रदूषण के स्तर की आप बात करते हैं, जिसकी बात मैंने की कि हर पल ये काला जहर आपके आसपास पहुंच रहा है इन इलाकों से। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश की सरकारें और अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशों का कितना सम्मान करती हैं और इन्हें कितने गंभीरता से लेती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज जिस तरह भारत के महानगरों में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह आने वाले समय में ई वेस्ट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखने लगेंगे और हमारा देश पूरी दुनिया के लिए ई वेस्ट का सबसे बड़ा डस्टबिन बन जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और कंज्यूमर कल्चर की वजह से भी ई वेस्ट अब बहुत बढ़ चुका है और ये खतरा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। दुनिया के कई देश अपने अपने तरीकों से इसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें लगता है कि भारत को भी तत्काल प्रभाव से कदम उठाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़ इतना बड़ा हो जाए कि इसे हटाना नामुमकिन हो जाए, जैसा कि प्रदूषण के मामले में हो रहा है। DNA में अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है। आज आपको यह बताना है कि योग का क्या धर्म है, क्या योग हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। ये सवाल आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक मुसलमान लड़की को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो योग का प्रचार और प्रसार कर रही है। इस ब्रेक के दौरान आप योग के धर्म के बारे में सोचिए और इस ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर से इसके बारे में बात करेंगे।